Hello children, welcome to chemistry class. आज हम लोग chemistry class में metals और non-metals के chemical properties के बारे में अध्ययन करेंगे. तो क्या topic हमारा? Chemical properties of metals and non-metals. तो हम लोग क्या लिखेंगे? नाम देख सकते हैं. Chemical properties of metals. ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अब इसमें हम लोग देखेंगे कि मेटल्स जो होते हैं वो तो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं. तो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी के अगर बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन और एयर. ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन और एयर. तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो ऑल द मेटल मतलब जो सभी मेटल्स ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड. ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड. लेकिन ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद सेम रिएक्ट. मतलब कि जो मेटल की रिएक्टिविटी होती है जो सभी मेटल्स होते हैं वो एक ही तरीके से रिएक्टिव नहीं होते. जैसे क्लास में सभी स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट सभी होते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्या होता है, मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं और कुछ बहुत कम एक्टिव होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं. तो ऐसे जो मेटल्स होते हैं सभी मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो सेम नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखना. लेकिन सभी स्टूडेंट होते हैं उसके बाद सभी मेटल्स जो होते हैं क्या करते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं. तो अगर हम लोग सिंपल वे में देखें तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं. देखो लिख लें फर्स्ट पॉइंट रिएक्शन विद ऑक्सीजन और एयर. दोनों लिख सकते हैं, ध्यान रखना है. तो मेटल्स क्या करते हैं, देखो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ, देखो ये हमने लिखा मेटल्स, इसको लिख देता हूँ ऐसे लिखते हैं मेटल्स, हमने लिख दिया मेटल्स और ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन. अब देखिए यहाँ पे ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड. हाँ बेटा, एक चीज़ में आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं जान लीजिए, ये मेटल ऑक्साइड की रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होती है, मेटल ऑक्साइड की रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होती है. ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है. तो देखते हैं कोई मेटल ले लो आप, जैसे लोग ले लेते हैं कॉपर हमने ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, बना लिया 2CuO. तो ये क्या होता है, क्यू प्लस ऑक्साइड. ये हो गया. या हम लोग जैसे सोडियम ले लें तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, फिर क्या बना लेगा, सोडियम ऑक्साइड. ये बना लेगा या फोर कर देते हैं ना इसको बैलेंस करने के लिए, आपका हो जाएगा. ठीक है, ऐसे कैल्शियम ले लेंगे. ठीक बेटा, आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एल्यूमिनियम ले लेते हैं Al प्लस O2, तो ये क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो फिर यहाँ पे Al2O3. ठीक, यहाँ हम लोग कर देते हैं ये. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया ये और ये क्या हो गया आपका, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड. अब देखिए ये भी आपका ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है. यानी कि रिएक्टिविटी क्या होगी, ये इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, अलग अलग, और इनका बिहेवियर भी अलग अलग है. तो सभी ऑक्साइड ही, लेकिन अगर इनके बिहेवियर की बात की जाए तो इनका बिहेवियर अलग अलग होता है. अब देखते हैं कैसे अलग अलग होता है. जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो
सोडियम के ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड है जानेंगे, ये वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करके और क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड बना, क्या बनाता बेटा, हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ये चीज आप यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, देखिए बेटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ऑक्साइड हमें यहाँ मिला है, मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, इवन सभी ऑक्साइड हैं, लेकिन जो इनकी नेचर होती है अलग होते हैं। कैसे हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मेटल्स कुछ ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, मतलब सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। मतलब मेटल्स कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और क्या देते हैं, साल्ट और वाटर देते हैं। ऐसे ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखते हैं क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, देख लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे बेटा मैं इसको स्टार्ट में लिख दूंगा कि जो ऑक्साइड होते हैं, देखो कुछ ऑक्साइड हम सबने की बात नहीं कहे, जैसे इसमें हम लोग ले लें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या लिखा अभी आपने, Al2O3, ये पढ़ा आपने, ये क्या करेगा, एसिड से भी रिएक्ट कराते हैं, देखो एसिड से रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, देखो ये एसिड है और ये क्या था आपका ऑक्साइड है, जानने के बेटा समझने की बात है, ऑक्साइड है। तो क्या कह रहा कि एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड, ध्यान दें यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं लेकिन सभी नहीं, ये क्या करते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं और बेस, ध्यान देंगे तो दोनों से रिएक्ट करके क्या होने लगते हैं, साल्ट प्लस वाटर, और इस तरह के ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है, Al2O3 प्लस HCl, और ये क्या बना लेता है AlCl3, या हम लोग इसको लिख सकते हैं बेटा इसको ऐसे Al2Cl6, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 6HCl कर लेंगे, ठीक है, और ये इसको हम लोग 2 ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं दोनों सही है, और 3H2 प्राप्त हो गया। तो क्या हो गया आपका, एक रेखे का साल्ट है और वो क्या है, वाटर, ये हो गया। अगर ऐसी क्रिया किसके साथ कराया जाए, बेस के साथ, एल्कली के साथ कराया जाए, देखते हैं NaOH, ठीक है, तो ये इसके साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, NaAl2O3, क्या बनाता है बेटा, NaAl2O3, तो यहाँ पर लोग 2 कर देते हैं, 2NaAl2O3, ये बना लेता है और यहाँ पे हमारा H2 प्राप्त होता है। तो ये भी क्या आपका साल्ट है, लेकिन इसका अगर हम लोग नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, क्या है बेटा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये चीज ध्यान रखना आपको कि आप क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, मतलब कौन सा, इसमें स्टार्ट नोट कई बार पूछा गया है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको कैसे डिफाइन करेंगे, और एग्जाम्पल आप दे देंगे कि आपका देखो यहाँ पे ये बेस है और ये क्या आपका एसिड है, तो उसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ये लेते हैं देखो, सम ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ
3 minutes, both acid as well as base are alkali to produce salt and water known as amphoteric ऑक्साइड। क्योंकि हमें यह बात याद ध्यान रखना है ना, जैसे कहा सभी ऑक्साइड नहीं तो सब ऑक्साइड की बात करें, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, एक चीज यहाँ पे देखिए आपके ग्रुप में ये यहाँ पे देखिए सोडियम एल्युमिनेट, तो ये भी सही है, सोडियम मेटा एल्युमिनेट ये भी सही है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड ने कहा कि जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं मेटल के रिएक्शन से, मतलब जो मेटल ऑक्साइड मेटल रिएक्ट करता है किससे, एयर से, तो डिफरेंट टाइप का ऑक्साइड का होता है, लेकिन सभी है ऑक्साइड। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ऑक्साइड होते हैं, हमने बताया था उनका नेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इससे सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड होते हैं, ध्यान देखिए सोडियम और इसके पोटेशियम के ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे हम लोग लिख लें H2O और K2, ये वाटर से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और ये एल्कली बना लेते हैं, जैसे हम लोग बेस कहते हैं, बेस कहते हैं, ये भी रिएक्ट करेगा और ये क्या बना लेगा, KOH, KOH। यहाँ पे ध्यान रखिए बेटा, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप कैसे कहोगे कि जो मेटल्स के सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड होते हैं वो एल्कली होते हैं, तो आप इसके ऑक्साइड खोलो और वाटर सोल्यूशन करा तो आपको यहाँ पे एल्कली मिल जा रहा है, ये आपका एल्कली मिल रहा है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एल्कली होते हैं, या आप बेसिक भी कह सकते हैं, बेसिक भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है, जैसे हमने आपको बताया कि जो सभी मेटल्स होते हैं उनको सेम रूप से सेम प्रकार से रिएक्टिव नहीं होते, उसकी रिएक्टिविटी बहुत अधिक। तो जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं बेटा ध्यान देंगे, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ एयर विगोरसली, रिएक्ट विथ एयर विगोरसली मतलब क्या होता है, यहाँ पे मोस्टली ऑक्सीजन लेते हैं, आप देखेंगे रिएक्ट विगोरसली। और यहां पे हम लोग देखते हैं एंड कैच फायर सो दे आर कैप्ट इन केरोसिन। यहाँ भी आपका क्वेश्चन आता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, तो ये क्वेश्चन होगा तो क्या आप आंसर देंगे कि आप कह सकते हैं कि जो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद एयर विगोरसली एंड कैचेस फायर सो दे आर केप्ट इन केरोसिन और पैराफिन भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पैराफिन्स ले सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये किससे रिएक्ट करते हैं, एयर से,
विगोरसली, मतलब हम लोग कह सकते इतना तेज रिएक्ट करते हैं कि वो क्या करता है, आग पकड़ लेता है, कैचेस फायर, मतलब आग पकड़ लेता है। सो कैप्टन कैरोसिन आर पैराफिन। अब देखिए आपने बताया था कि कुछ मेटल्स क्या होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल बहुत कम ये रिएक्टिव होते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ले लें एजी, मतलब सिल्वर और गोल्ड ले लें, एजी ना लिखे सिल्वर एंड गोल्ड, तो ये क्या करते हैं हाई टेम्परेचर पे भी क्या करते हैं, एयर से रिएक्ट नहीं करते। तो हम लोग लिख सकते हैं सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद एयर एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। तो ये हो गया रिएक्शन विद एयर और ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज रिएक्शन विद वाटर। अब देखिए यहां पे मिलता है सभी मेटल की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती, लेकिन ये देखते हैं। तो क्या हम लोग देखते हैं इसको 60 नंबर में लेते हैं, मेटल प्लस वाटर अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। ध्यान देंगे बेटा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ध्यान देंगे अगर ये मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड बनता है या मेटल ऑक्साइड क्या करता है पुनः वाटर से रिएक्ट कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है और ये हमें दे देता है हाइड्रोक्साइड। क्या हाइड्रोक्साइड, मतलब मेटल यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड, ये होता है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना, याद रखो, देख लेंगे कि अगर सोडियम या पोटेशियम लिया जाता है, सोडियम या पोटेशियम लेते हैं तो ये क्या करता है वाटर से वायलेंटली रिएक्ट करता है। वाटर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वायलेंटली, और क्या कर लेता है कैचेस फायर, कैचेस फायर। देख ध्यान देंगे ये रिएक्ट करता है तो बनाएगा सेम प्रोडक्ट, लेकिन क्या करता है कैचेस फायर करता है। और ये जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक। तो आप लोग एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक इससे पहले पढ़ सकते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब ये इवॉल्व होती है, मतलब कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब सोडियम या पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करता है, ध्यान देंगे वाटर से ये रिएक्ट करेगा तो कैसे वायलेंटली रिएक्ट करता है, वायलेंटली रिएक्ट करता है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने का क्या करता है, कैचेस फायर, मतलब फायर पकड़ लेता है। जैसे हम लोग यहाँ देखें कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन सो कैचेस फायर। तो यहाँ हम लोग रख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं देखो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर वायलेंटली, रिएक्ट विथ वाटर वायलेंटली, वायलेंटली इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन reaction, that is exothermic reaction, immediately catches fire,
अपने डेली क्राइसिस फाइल। तो ये चीज आप ध्यान रखना होगा कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं क्या करते हैं, ये वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या करते हैं, क्राइसिस फाइल कर लेता है। अगर यहीं पर हम लोग देख लें यहाँ पे कैल्शियम ले लिया जाए, ठीक है, या मैग्नीशियम लिया जाए, ठीक, तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट कर देंगे, ठीक, और ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन क्या करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इसके सरफेस पे तैरता रहता है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो इसमें हाइड्रोजन गैस का बबल है तो क्या करता है, उसकी सतह पे एब्जॉर्ब हो जाता है और उसका क्या होता है, ये रिएक्शन करने के बाद तैरने लगता है। तो इसमें क्वेश्चन भी है कि टेल द नेम ऑफ एलिमेंट व्हिच ऑन रिएक्शन विथ वाटर फ्लोट ऑन द सरफेस। तो यही पे हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये क्या होता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये सतह पर तैरने लगते हैं। क्यों तैरते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वो इसी सतह पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए और की अगर बात की, जब हम लोग रिएक्शन नहीं देख रहे हैं, हम लोग वैसे देख रहे हैं, अभी हम लोग रिएक्शन भी देखेंगे इस प्रकार। अब अगर यहाँ हम लोग देखें कि जैसे हम लोग ले और मेटल, जैसे आप लोग एफ ले लें, ठीक है, एफ ले लेते हैं, ठीक है, और एल ले लेते हैं और जिंक ले लेते हैं, ध्यान देंगे। तो ये क्या करते हैं, एफ ए एल और जिंक क्या करते हैं, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर के साथ, ये वेपर से रिएक्ट करते हैं। ये वेपर से रिएक्ट करते क्या बनाते हैं, सेम प्रोडक्ट, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये ही करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये तो हमने वैसे शार्ट में बता दिया कि आपको याद रहे, तो इसको हम शार्ट में कैसे याद कर सकते हैं, मैं आपको एक मिनट में आप इसको याद रख सकते हैं। ये ऐसा आप शार्ट ट्रिक ही इसको याद रख सकते हैं। जैसे देखिए हमने पहले क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा है कि क्या होता है, ध्यान देखिए बेटा, रिएक्शन विथ वाटर। तो हमने क्या देखा कि जो ऑक्साइड से उनका मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहला एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मेटल ले लेते हैं, ध्यान देखिए बेटा, मेटल हम ले लें मैग्नीशियम। जब आप मैग्नीशियम नहीं ले रहा हूँ, आप लिथियम ले लो प्लस एस टू, ठीक है, तो क्या बना देगा, एल आई टू ओ प्लस एस टू, ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए जो हो गया, या सोडियम ले लीजिए, सोडियम ये बिल्कुल रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड और गैस, हाइड्रोजन गैस, सॉरी ऑक्साइड। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जो सोडियम या पोटेशियम लेते हैं वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं, तो उन्हें क्या लिख सकते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर वॉलेंटली इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इमीडिएटली immediately catches fire, इधर ये हो गया आपका। अब हम लोग अगर जान लेंगे कैल्शियम लेते हैं या मैग्नीशियम लेते हैं, ध्यान देंगे कैल्शियम लेते हैं या मैग्नीशियम लेते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये भी क्या बनाता है, आपको याद रखना, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान देंगे
अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये तो बनता ही सर, ये क्या करता है वाटर के सतह पे फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस या स्टार्ट फ्लोटिंग लोग कहते हैं, स्टार्ट फ्लोटिंग क्यों, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस टू द सरफेस। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं यहाँ, इसको हटा के हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं, एडजॉर्प्शन। तो ये एडजॉर्प्शन है, और एडजॉर्प्शन क्या होता है इसको हम लोग ट्वेल्थ में पढ़ेंगे। यह एडजॉर्प्शन होता है या स्टिकी आप कह सकते, ऐसे कहते एडजॉर्प्शन ना लीजिए, एडजॉर्प्शन ना लीजिए, यहाँ स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू एडजॉर्प्शन और स्टिकिंग ऑफ H2 ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस ऑफ मेटल। जो कि यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मिल रही है कि कैसे मैग्नीशियम क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। जब क्यों फ्लोट करते हैं, तो क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होता है उनके सतह पे क्या होता है एडजॉर्ब हो जाता है या स्टिक हो जाता है, इस कारण ये। अब देखिए नेक्स्ट को, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की बात की जाए, तो हमने क्या देखा, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो क्या है एल्यूमिनियम और जिंक और एल्यूमिनियम जिंक और फेरिक जाने, ये नॉर्मल वाटर से नहीं रिएक्ट करता, ये ना तो कोल्ड वाटर से ना तो हॉट वाटर, स्टीम से रिएक्ट करता है। किससे, स्टीम से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कैसे ये रिएक्ट करेगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिया है एल्यूमिनियम जिंक और फेरिक। आपको क्या बताया गया है कि मेटल्स जो होते हैं वो वाटर से रिएक्ट क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस। ये चीज आपको जानना है, बस आपका सारा रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये स्टीम फॉर्म में है, स्टीम आपको पता हो ये कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते बल्कि स्टीम से। तो H2O लिख दीजिए यहाँ लिखिए और यहाँ पर लिखिए। अब हमें लगता है आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं, क्या बनेगा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लिखिए देखते हैं, दो मिनट बाद लिखेंगे, आप लोग ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ कैसे लिखा जाए। चलिए लिखिए, तो आपने रिएक्शन में लिया होगा। चलिए मैं लिखता हूँ, देखो मेटल ऑक्साइड, तो इसका मेटल ऑक्साइड क्या है L2O3 और हर टाइप बैलेंस करना तुम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसी में डायरेक्ट यहाँ बैलेंस कर देता हूँ, ध्यान रखेंगे ठीक है। ये प्लस 3H2O सॉरी हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्या कौन है 3H2O, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पर क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये क्या बनाएगा देखो Fe3O4 बना लेगा। और यहाँ पे मैं Fe और यहाँ फ्लोर कर देता हूँ, और क्या दे देगा हाइड्रोजन गैस यहाँ पे दे देगा। ये चीज़ आपको बहुत आसानी से याद रखना चाहिए कि कैसे हम लोग जो है, हाँ इसको आप वीडियो एट लास्ट तक देखेंगे, हमें लगता है कि एट लास्ट तक देखेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा और आप ट्रिक में जान जाएंगे कैसे इन रिएक्शंस को ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। तो एट लास्ट तक आपको देखना चाहिए, आपको ये वीडियो एट लास्ट तक देखना चाहिए और मैं लास्ट में बताऊँगा कि ट्रिक से कैसे हम लोग इसको याद करें, तो उसको लास्ट में बताएंगे। तो आपके फायदे में है कि आप आज इस वीडियो को लास्ट तक देखें। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। यहाँ में हम लोग देखेंगे कि मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं साल्ट और वाटर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं
metals react with acid to produce salt and water. Metals react with acid to produce salt and water. तो कोई मेटल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम ले लिया, एसिड ले लो, एसिड ले लिया हमने, तो क्या बनाएगा? एंट्रू कर दो बैलेंस करने के लिए, टू एन ए सी एल प्लस क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। कोई और एसिड ले लो, मेटल ले लो, जैसे हमने ले लिया मेटल ले लिया, एच टू एस फोर ले लो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डाइल्यूटेड लिया गया है, ये डाइल्यूटेड से रिएक्ट करेगा, एम जी एस ओ फोर प्लस एच टू। तो ये चीज हमें याद रखना है कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। अब देखिए, इसमें जो इनकी रिएक्टिविटी होती है, जो मेटल की रिएक्टिविटी होती है Mg, Al, Zinc और Fe, जो मेटल रिएक्टिविटी आर्डर होती है जानेंगे, ये होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, जैसे मंगल ऐसे मंगल जिंक से को मंगल जिंक फेक ऐसी एक्टिविटी, आप इसकी रिएक्टिविटी मेटल से जो रिएक्टिविटी होती है वो याद रख सकते हैं। अब देखिए, इन रिएक्टिविटी के आधार पे हम बहुत सारे रिएक्शन देखेंगे, बहुत सारे रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्टिविटी के आधार पे हम किसी रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी को बता सकते हैं कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम अदर वीडियो बना के अदर टॉपिक से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद अदर सॉल्यूशन, रिएक्शन विद अदर सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन विद अदर सॉल्यूशन, अदर सॉल्यूशन। अब देखिए, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मेटल है वो दूसरे सोल्यूशन से रिएक्ट करेगा और उस सोल्यूशन में उपस्थित मेटल को रिप्लेस करेगा। लेकिन जब ये जो हमारा मेटल है उस मेटल से मोर रिएक्टिव होगा, उस मेटल से मोर रिएक्टिव होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि वो जिंक क्या है, सल्फेट, जिंक ये है और एस्ट्रोसिफो। अब देखिए, इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि जिंक क्या करता है कि हाइड्रोजन क्या कर देता है, अरे डिस्प्लेस कर देता है, जब हम जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एम जी है कि जेड एन एस ओ फोर से रिएक्ट करता है और एम जी एस ओ फोर प्लस जेड एन बना देता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एम जी जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर अभी आप मेटल एक्टिविटी सीरीज में देखे हैं, मंगल जिंक फेकू, तो ये आर्डर मंगल एम जी जे ए एल था और फिर क्या था, जिंक था और फिर फेकू। तो ये देखो क्या आपको पता चल गया कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, मंगल जिंक फेकू, मतलब ये आपको याद रखना होगा, इससे हम लोग याद रख सकते हैं मंगल जिंक फेकू। बेटा देखो, कोई चीज़ की बहुत स्पेसिफिक ट्रिक नहीं होती, लेकिन जो ट्रिक समझ में आती है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचाई जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसको साल्ट सॉल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, वाटर फॉर्म से डिस्प्लेस कर देता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल्स
displaces less reactive metals, less reactive metals, reactive metals from its solution, from its solution और कह सकते हैं मोल्टन फॉर्म। तो ये क्या देखा हमने, यहाँ पे देखो ये सभी रिएक्टिव इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, ये आपने यहाँ पे देखा रिएक्शन में अदर सॉल्यूशन। लास्ट पॉइंट इसका है मेटल रिएक्टिविटी स्ट्रेस। तो यहाँ लास्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी स्ट्रेस। अगर हम इस रिएक्टिविटी स्ट्रेस को याद कर लेते हैं, तो हमें बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरिक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, HgAU। तो ये अब देखिए इसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब अप साइड में क्या है मोस्ट रिएक्टिव है, और इस डाउन साइड में क्या है लेस रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। मतलब जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे रिएक्टिविटी सीरीज के में जो मेटल्स अरेंज है उनकी रिएक्टिविटी सीरीज कम हो जाएगी। कभी कभी रिएक्टिविटी सीरीज पे स्टार्ट मोड पूछा गया है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं बेटा कि मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है ये कैसे बनाया गया है। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं इनको एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है, और ये ऑर्डर क्या है, इनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि रिएक्टिव एक्टिविटी और रिएक्टिविटी हम लोग कह सकते हैं इसमें किया गया है और एक सीरीज में मिला है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। अब जैसे हम लोग इसका उपयोग देखिए कैसे आप कहते हैं कैसे बटन, एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो रिएक्शन मैंने लिखा है, यहाँ पे ये हमने लिखा देखो H2SO4, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया ये देखो ये लिख दिया, और फिर हमने लिखा है H2SO4, और यहाँ हमने लिख दिया CU। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होंगे, या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो इस एक्टिविटी सीरीज को देख के आप बता सकते हो कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। जब यहाँ पे कैसे आपको मालूम है कि जो मेटल्स होते हैं वो एक्सल सेलेरेटर क्या बनाते हैं, साल्ट और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर ये रिएक्शन होगा, ध्यान देंगे देखो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और साल्ट और हाइड्रोजन। लेकिन अगर जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव होगा, जैसे इसमें देखिए इसमें कापर देखो इसके नीचे हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये जो कापर है ये इससे लेस रिएक्टिव है। तो क्या करेगा कि जो कापर इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता। लेकिन अगर इसमें देखा देखो यहाँ पे इसकी बात की जाए और इसकी बात की जाए, तो ये क्या है ऊपर हाइड्रोजन से ऊपर है, ये मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन से, तो क्या करेगा इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि इस मेटल एक्टिविटी सीरीज की सहायता से हम लोग ये देख के बता सकते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। और यहाँ हम लोग रिएक्शन लिख देते देखो Al2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका जाएगा। लेकिन यहाँ पे नो रिएक्शन। तो ये चीज आपको याद रखना है, इस मेटल एक्टिविटी सीरीज को अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग इसे सहायता से ये सब चीजें बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।